लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। ये है किसी को उसके हकीकी मकाम से आगे बढ़ाए धर्म को नहीं, वली को नबी बना देना और नबी को खुद बना देना। और ये कहना कि वली जो मुस्तली अर्श का खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर, ये बोलो अहले किताब को मुखातब खड़ा करके उन्हें मुकर दे दिया वारंटी दी या अहले किताब क्या था उसकी दी ये बहुत मतलब। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर हमें वारंट दी, हदीस इस तरह وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة القبضة وهو على ناقة قل قد لي حصل فلقدت له سبع حصيات كنا عن حصى الخصي فجعل ينفذهن في كفه ويقول أمثالها فإنه أهلك من كان قبلك والغلو في الدين رواه أبو في كتاب المناس. يا ابن ماجه ابن ماجه حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح کو آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں चार उम्रे किए हैं और एक हज किया, फर्स्ट एंड लास्ट एक हज किया। तो आपने अपनी सवारी पर बैठे बैठे अब्दुल्लाह के पास से कहा मेरे चक्करी लाओ, रवि कर ली और ये जमा कर ली शैतान को मार ली। तो हजरत अब्दुल्लाह के पास फरमाते मैंने सात कंकरियां चुन करके आपको दी, फनकत लहुस्सबअ हसायात, सात कंकरियां मैंने आपको दी। आपने हाथ में उलटने पलटने लगे और आपने फरमाया ये छोटी छोटी कंकरियां हैं अम्साल हाउलाई फर्म, इन जैसी कंकरियों से तुम रमिए जमा करो, शैतान को ही कंकरियों से मारो। और देखो अपने दीन को गुरु मत करना, इसलिए कि तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं इसी गुरु फिर दीन ने दीन में गुरु करने की वजह से वो हलाक हो गया। ये कौम भी नसारा के नक्शे कदम पर, यहूद के नक्शे कदम पर चलते हुए नबी के इस वाणी से बच नहीं पाई। और अब देखो मारे गुस्से के मारे जज्बे के कंकरियां मारने के बजाय मां बहन की गालियां देते हुए चप्पलों से शायद आगे मारते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मुतरब किया था आज उम्मत मुस्लिमा यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी चीज का इंतकाम कर रही है जिसका नाम गुलू है और जो बिदात के शुरू और बिदात की तरतीब और इशाद का एक सबब है। तो एक सबब तो गुलू भी थी, भी तो गुलू था। दूसरा सबब है खारिजी असर दीन में आना, जैसे यहूदियत और मजूसियत ने इस्लाम का लिबादा पहन करके इस्लाम के अंदर दखल किया। सरे फहरिस्त अब्दुल्लाह इब्ने सबा है, ये काफिर था मुनाफिक था और यहूदी था। इस यहूदी ने इस्लाम का लिबादा पहन करके इस्लाम में दखल किया, इस्लाम में दाखिल हुआ और इसने टाँग टाँग की बिदातें ईजाद की। आपको सुनकर हैरत होगी कि ये जो तफर्रुकात के सिलसिले हैं, आसार के इहराम के जो सिलसिले हैं, दरहकीकत उसका सरचश्मा
यही जरूरी है। आप एक ऐसी बात कहूं, बनी इसराइल जब तक सही रास्ते पर रहे तब तक अल्लाह ने उनकी मदद की। उनके पास एक ताबूत था, ताबूत सकीना। जब ये जंग करते तो इस ताबूत सकीना को आगे रखते और अल्लाह ताला इस ताबूत सकीना की बरकत की वजह से उनको फतो जफर से नवाजता। वो गालिब आ जाते, वो खाली दूर करते। अल्लाह ने इस ताबूत का तस्करा सूरह बकरा में बयान किया है कि अय्या इयकुम ताबूत फी सकीनत मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिन मा तरक आलू सवाल हारून। इस ताबूत के अंदर हजरत मूसा और हजरत हारून के कुछ बकिया थे, आपका आसा, आपके कपड़े ताबूत के अंदर थे। जब इनके अंदर उम्र नहीं आई तो अल्लाह ताला ने कौम को जो बड़ी ताकत पर कौम की हमारे का जिसका सरबराह जालूत था अपने लश्कर जर्रार को लेकर के यहूदियों को पर हमला आवर होता है और यहूदियों के लिए शहीद बना देता है और ताबूत सकीना छीन कर ले जाता है। बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, टाइम होते हैं। अल्लाह ताला अपने एक नबी के जरिए तकरीबन नाम इसकी है सबूरी और एटीनों का नाम भी बता इन कारण ये नबी नबी ने कभी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कमांडर इन चीफ मुकर्रर करो, हम हमारे पास से बढ़ेंगे और ताबूत सकीना छीन कर लाएंगे। आपने कहा कि ताबूत को मैं कमांडर इन चीफ बनाता हूं, तो पहला इख्तलाफ नबी से उन लोगों ने किया कि ताबूत को आप कमांडर इन चीफ बना रहे जब इसके पास पैसा नहीं, पैसे वालों को उठा दो। अरे चलो, पैसा जिसके पास हो उठा दो, उसी के पास होना चाहिए। ये तसव्वुर, ये तखय्युल और ये अकीदा दर हकीकत यहूदियों का है, जिसके पास पैसा हो उठा दे उसी के पास। काल बनता है पुरुष और हिंदू, इनके पास पैसा क्या करता है, इनको आप हमारे कमांडर बना रहे हैं। कहा कि कमांडर इन चीफ होने के लिए दो शर्तें जरूरी है, बस्तकन से इल्म वर्जिस, एक तो लड़ने के बारे में इल्म रखता हो और दूसरे कुव्वते नाफिजा रखता हो, अपना पावर बना सकता हो, और ये दोनों चीजें ताबूत के अंदर है। लिहाजा कमांडर इन चीफ देंगे और अगर तुमको दलील चाहिए तो मैं दलील भी मुहैया करता हूं। दुआ की हमारे का जो ताबूत सकीना को ले गए थे उनके दरमियान एक वबा फैल गई। उन्होंने ये समझा कि इसी ताबूत सकीना की वजह से ये वबा लग सही। उन्होंने एक बैलगाड़ी के ऊपर ताबूत सकीना को रखा और उसमें गाय या बैल जोत दिए और ये ताबूत सकीना आकर के ताबूत के घर के सामने बैलगाड़ी पर मौजूद खड़ा कर दिया। तहकीकत फरिश्ते उस बैलगाड़ी को हाँक रहे तहमिलुहुल मलाइका, मलाइका उसको हाँक करके ला रहे थे और ताबूत के मकान के सामने खड़ा कर दिया। सारे लोग उनके कमांडर इन चीफ बनने पर मुत्तफिक हुआ। फिर लड़ाई हुई, जालूत मारा गया, दाऊद अलैहि सलाम ने उसको कत्ल किया और अल्लाह ताला ने किल्लत को कसरत के ऊपर गलबा अता फरमाया। अब्दुल्लाह इब्ने सबा जब इस्लाम का लिबादा पहन करके इस्लाम में दाखिल होता है तो चूंकि उनके यहां यहूदियों के हाथ ताबूत सकीना की बड़ी अहमियत थी, लिहाजा उसने अपने एक साख्ता और परदाख्ता कूफा के एक शख्स मुख्तार इब्ने उबैद सकफी को अपना आरएकार बनाया और हजरत अली वो शख्स है कि तीनों खुलफा ने अपना दारुल खिलाफा मदीना रखा, लेकिन ये मदीना छोड़ करके अपना दारुल खिलाफा कूफा बना लेते और
उनके नाम करके काम करते, उनके आज उसी उसी कुर्सी पर हजरत अली बैठते, हजरत अली के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुख्तार इब्न उबैद सकफी ने उस कुर्सी को हासिल किया और ऐलान किया कि हजरत अली जिस कुर्सी के ऊपर बैठते थे वो कुर्सी मेरे नजदीक ताबूत सकीना से भी ज्यादा अहमियत है, मेरे नजदीक ताबूत सकीना से भी ज्यादा अहमियत यहां पर लेके यहूदियत के रास्ते से किस तरह एक कुर्सी को ताबूत सकीना का मकाम दे दिया। आज नाले मुबारक कदम रसूल मूले मुबारक जामे रसूल के नाम पर जगह जगह जो तबरुकात फैले हुए हैं, तर हकीकत ये यहूदी साजिश का एक शासन। मैं कहता हूं कि क्या औलिया के आसार से तबरुक करना जायज है? बिल्कुल जायज है। अंबिया के जी अंबिया के आसार से तबरुक हासिल करना जायज है। हजरत उमर सलमा रजी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ता मुबारक को जब कोई बीमार होगा तो पानी डाल करके उस कपड़े को निचोड़ करके उस पानी को बीमार को पिला देते थे। तो जो चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से मस उनसे तबरुक हासिल करना इसका जवाब शरीयत के अंदर है, लेकिन पहले उसमें शक और शुबहे का इम्कान नहीं था, इसलिए कि सभी जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पियाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह बाल है। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया गुरुए इकराम की वजह से शुबहात के इम्कान पैदा हो गए। हर आदमी मुंह मुबारक कदम मुबारक कदम रसूल जामे रसूल के नाम पर यह बिदाते खिलाता है और आज ये बिदाते पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। हम ये नहीं कहे कि आसारे अंबिया से तबरुक हासिल करना जायज नहीं है, लेकिन सही तरीके पर यकीनी तरीके पर यह मालूम तो हो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के आसार है, ये मालूम हो जाए तो उनसे तबरुक जायज नहीं, वरना तबरुक जायज नहीं। अब आपने देखा कि किस तरीके से यहूदीयत की राह से तबरुकात की ये बिदात, तबरुकात की ये बिदात इस्लाम के अंदर आती है और आज मुख्तलिफ नामों से ये बिदात मुसलमानों के अंदर मौजूद है। तो एक तो गुलू की राह से बिदात इस्लाम में दाखिल हुई, दूसरे खारिजी असर यहूदीयत और मजूसियत की राह से दाखिल हुई और तीसरे यूनानी किताबों का यूनानी जबान से जब अरबी जबान में तर्जमा हुआ, खासतौर से मंतिक और फलसफे की किताबों का जब तर्जमा हुआ तो लोगों ने कुरान और हदीस को मंतिक और फलसफे के उसूलों के ऊपर पढ़ना शुरू किया, एक अकली बिदात यहां पैदा हुई। कुरान और हदीस को मंतिक और फलसफे के मीजान पर परखा जाने लगा और उनके इन बनाए हुए उसूलों मंतिक और फलसफे के उसूलों पर कुरान और हदीस के जो बात पूरी उतरती उसे ले लेते और जो पूरी नहीं उतरती उसे छोड़ देते। ये तीसरी चीज जब यूनानी किताबों का अरबी में तर्जमा किया गया। तीन और चौथे अक्ल का पूरी तरह दखल इस्लाम में हुआ। अक्ल के बारे में कहा जो बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारी अक्ल में नहीं आती, हम उसे नहीं मानेंगे, जो बात हमारी अक्ल तस्लीम करेगी हम उसी बात को मानेंगे। यहीं से बिदा शुरू हुई, हदीसों के इनकार की, हुदूद का इनकार किया गया, कहा गया हुदूद वजीर का नाम, मलाइका का इनकार किया गया, अज़ाब क़ब्र का इनकार किया गया, इनकार हदीस के फितने ने जन्म लिया, अक्ल को उसके जायज मकाम से निकाल करके इस्लाम के अंदर उसे एक मकाम दे दिया, यानी तकदीबुल अक्ल नकल के ऊपर अक्ल को मुकद्दम करना, जबकि एक
तकदीर अकल या नकल की वजह से ये बिदअतें आगे बढ़ा और आखिरी बिदअत को बिदअत से रद्द कर। मैं देखो एक पाखाना पड़ा हुआ, अब उसके ऊपर अगर आप पाखाना डालेंगे तो पाखाना साफ होगा, पानी डालेंगे तब घर नहीं साफ होगी। इसी तरह बिदअत को बिदअत से रद्द नहीं किया जा सकता। ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे, यही पर एक बात बता दूं, अंग्रेजों के जमाने में आर्यों से मुनाजरा हुआ करता था, ईसाइयों से मुनाजरा हुआ करता था। एक ईसाई पादरी तकरीर कर रहा था और पूरा जोर सर्व कर दे रहा था इस बात के साबित करने पर कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे। उस मजलिस में मौजूद एक आलिम साहब खड़े हुए और कहा कि तू झूठ बकता है, अल्लाह इन तमाम झमेलों से पाक है, बेटा बेटी से पाक है, कोई भी नहीं, तू झूठ बोल रहा है। अब पादरी ने जो दराइल देने शुरू किए तो आलिम साहब उसके मंतिक याना सवालों के जवाब में हंसते चले गए, जिस तरह बकरी के जाल में मक्खी फंसती चली जाती है, और चुप हो गए। एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान खड़ा हुआ और कहा कि मौलवी साहब आप बैठ जाओ, ये पादरी जाहिल है और मैं भी जाहिल हूं, आलिम होकर आप उस जाहिल का मुकाबला नहीं कर सकते, मैं जाहिल हूं और इस जाहिल का मुकाबला मैं करूंगा। पूछा कि अपना मौके दोहराओ, अपना स्टैंड दोहराओ, मेरा स्टैंड यह है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे, कहा कि फिर से बोलो, कहा कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे, कहा फिर से बोलो, कहा ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे, कहा कि ये बोलो अल्लाह की उम्र क्या है। कितनी साल, इतनी उम्र है उसके बच्चे कितने हुए, बोले कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 55 साल की है मगर मेरे 12 बच्चे हैं, करोड़ों और अरबों साल की उम्र रखने वाला तुम्हारा अल्लाह ऐसा है कि उसका नहीं देगा। पानी चुप हो गया। जैसे ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का कलीमा और अल्लाह का कलीमा कभी हजरत ईसा अलैहि सलाम कभी मुतज़िला उठे मुसलमानों का इसलिए था, उन्होंने उनका जब रद्द किया तो कुरान को मखलूक कह देते और इसकी वजह से हजरत इमाम अहमद ने हुक्म खड़े हुए और कहा कि कुरान कलाम अल्लाह का मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है मखलूक। अब बताइए मुतज़िला ने ईसाइयों का रद्द करना जब शुरू किया तो एक बिदअत को बिदअत से रद्द किया। ध्यान रखना अल्लाह तबारक व तआला की तालीम कहीं ना कहीं, तो बिदअत की तरवीज और इशाअत के पांच रीजंस हैं, पांच वजूहात हैं, पांच असबाब हैं, फिर से बयान कर देता हूं, ज़हन नशीन करें। गुलू, खारिजी असर, मंतिक व फलसफा की किताबों की तारीख अरबी में मुंतकिल करना, तकदीमुल अक्ल अला नक्ल, और इसी तरीके से बिदात का रद्द बिदात से और अक्ल को नकल को पकड़ चीते, इन पांच असबाब की वजह से बिदात है। आज जितनी भी बिदात है नजर आ रही है मुसलमानों में, तर हकीकत इन पांचों रास्तों में से किसी न किसी रास्ते से दाखिल हुई। आज हम बिदात के रद्द के घर में तो हम पहले मुहर्रम की बिदात से अपनी इस तकरीर का आगाज करते हैं। पहले एक मसले के साथ अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक से कायनात बनी है, महीनों की कुल तादाद 12 है, विहार बातुल हुरूम जिसमें 4 महीने हैं आपके, 3 अलग तरतीब ज़िलकाद ज़िलहिज मुहर्रम हराम का महीना और एक आगे चल करके रजब, विहार बातुल हुरूम इन चार हराम महीनों में से एक महीना
देना हराम का है हराम, और इसकी दसवीं तारीख आशूरा इसकी बड़ी फजीलत है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आपके सामने एक हदीस पेश करें जिसे इमाम नसई कहते हैं, वो सुनन कुबरा के बनाए सुनन कुबरा की नसई कहते जाते हैं। वहां नबी कतादा रजी अल्लाह तआला अनु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम आशूरा युकफिर सलात वादिया व सौम अरफा युकफिर अस्सनतैन अस्सनत अलमादिया व अस्सनत अलमुस्तक्बला अस्सनत अलमादिया व अलमुस्तक्बला रवाहु नसई सुनन कुबरा। हजरत कतादा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोजा पिछले एक साल के गुनाहों को माफ करवा देता है, कफारा हो जाता है, और अरफा का रोजा पिछले एक साल के और अगले एक साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अरफा का रोजा एक है, आशूरा के रोजे दो। अब सवाल यह है कि 9-10 रखा जाए या 10-11 रखा जाए, मेरी नजर इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख का रोजा रखा मिलाया नहीं। हाँ, तमन्ना की कि अगर अगले साल जिंदा रहा तो मैं एक रोजा और रखूंगा। अब सवाल ये कि कौन से दिन को आपने मिलाने के लिए कहा, 9 को या 11 को? तो एक हदीस मुसरत अहमद में आती है, कब नहू व बाद, चाहे पहला मिला लो चाहे बाद वाला मिला लो, 9-10 करो या 10-11 करो, लेकिन याद रहे कि ये हदीस इंतहाई सही है, लिहाजा ये नाकाबिले इंतजाज है। लिहाजा 11 को 10 के साथ ना मिला, रहा मसला 9 को 10 से मिलाना। मुस्लिम शरीफ की साफ रिवायत मौजूद है, किताब से हम रिवायत इस तरह वान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل اصوم الناس وفي روايه ابي بكر قال يعني الصوم يعني يوم عاشوراء رواه مسلم في كتاب الصيام حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو کتاب الصيام میں بلایا راوی نے بلے کے پاس حضرت بلے کے پاس فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا لئن بقيت الى قابل اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں اصوم الناس تو میں ضرور ضرور 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا। लिहाजा कब लहू व बाद लहू वाली जो रिवायत है वो सही है, मुस्लिम की यह रिवायत बिल्कुल बेदाग है, कोई कलाम नहीं। लिहाजा 9 तारीख ही को मिलाए, 9-10 रखे। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा कि ठीक है वो रिवायत सही है कब लहू बाद लहू वाली, लेकिन बहुत सारे सहाबे के हम ने 11 को भी मिला लिया, 10-11 रखा। उसका जवाब मैं देता हूं कि अगर किसी वजह से तकबीर सहाबे के हमने 11 मिला है, तकबीर में जवाब अगर किसी वजह से आदमी 9 तारीख को रोजा नहीं रख सका तो 11 को मिला। इस तरह सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के आमाल और हदीस के मुताबिक पैदा हो जाती है। और अगर ऐसी बात नहीं है बल्कि वो 9वीं को रख सकता है, लिहाजा उसके लिए अफजल यह है, बेहतर यह है, बेहतर क्या जरूरी यह है कि वो 9 ही को रोजा रखे और 10 को रोजा। ये जो तरह तरह की बिदात की जाती है उनमें से एक बिदात है सीना कूदी करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तरह तरह की आवाजें बुलंद की जाती हैं जो तरह की तो जाहिलियत की आवाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हदीस हदीस वान रजी अल्लाह वान अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من لقم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء جاهلية ليس منا من لقم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء جاهلية رواه البخاري في كتابه الشريف حضرت امام البخاري في حديث پاک ایسے کتاب چلائی کے اندر لائے حضرت عبداللہ جب عبداللہ بولا کہ خالد بن عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گالوں پر تماچے مارے
करना, मातम करना, इसी तरीके से जाहिलियत की पुकार पुकारना, हजरत हुसैन का नाम लेकर के, ये तमाम चीजें इदारत की कमी से। उन्हीं में से एक चीज हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करके शरबत वगैरह पिलाए जाते हैं या खाने खिलाए जा रहे, तकरीबन ये भी तो जायज नहीं है। इसलिए कि कुरान हकीम की रूह से ये मां उही लभी लेना गैर अल्लाह की तरफ मंसूब कोई चीज हो तो वो हराम होती है। और ये चीज नजर की कमी से। और आइए हदीस पढ़ लेते हैं जिसे इमाम अबी दाऊद किताबुल ईमान में नुज़ूल में लाए। रिवायत इस तरह वहां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيع ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي رواه ابو داود في كتاب الايمان من نزول حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نظر مانے کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو نظر پوری کرے اور جو آدمی اللہ کی معصیت کا اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ نظر پوری نہ کرے ظاہر ہے کہ نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو چیزیں منسوخ ہوتی ہیں کھانے اور پینے کی فلاں کے نام کی زمین فلاں کے نام کا کھانا فلاں کے نام کی گاڑی در حقیقت یہ نظر ہے اور نظر غیر اللہ کے لیے حرام ہے نظر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے نظر کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے اسی طرح اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننا یا کچھ مخصوص طریقے سے کیا کرنا یہ جائز نہیں طریق یہ ہے سبق وہاں ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ تو من فوق منو رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس حضرت امام ابی داؤد کی صحیح سے مسلم کا لباس کے اندر لائے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اسی میں سے اب آپ دیکھیں گے کہ مجوسی لوگ جو آج کی پوجا کرتے تھے وہ اپنے بزرگوں کی وفات کے موقع پر نیلے کپڑے پہنتے تھے نیلے کپڑے اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی سولی دے دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ان کا عقیدہ یہ سولی دے دی گئی جو جس دن ان کو سولی دی گئی جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے اس دن کو وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں لہذا کوئی مسلمان اگر کسی کی وفات پر اپنے بزرگ کی وفات پر کالے کپڑے پہنتا تو در حقیقت یہ مشابہت ہے عیسائیوں سے کہ وہ اپنے بزرگوں کی وفات کے اوپر کالے کپڑے پہنتے ہیں لہذا اس حدیث کے اسے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم جائز نہیں اسے کہا کہیں یہ محرم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی کوشش کی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل خاص چیز ہے لیکن آج اللہ تعالیٰ پر توکل انسان کا خاصا کمزور ہو چکا ہے بتائیے کسی آدمی نے بالکل صحیح کہا کہ اگر مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کی قوت اللہ کی عظمت سے ہٹ کر کے دھاگے کے اوپر آ جائے تو ایسی قوم کا بس اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے ایک حدیث پاک دیکھیں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں روایت کے ساتھ وہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فیها فقصر ومن سار فقد اشرک ومن تعلق شیئا الیہ رواہ النسائی کی کتاب ایمان بشرائی حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب ایمان بشرائی کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کیڑا لگایا ڈنڈا بنایا ڈنڈا ایسے بنایا جاتا ہے جس آدمی نے ڈنڈا بنایا یہ کیڑا لگایا اور کیڑا لگانے کے بعد پھونک ماری اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا ڈنڈا بنانے والا مشرک بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈنڈا یا تاویز بنایا جائے قرآن کا تو جائز ہے اگلے ٹکڑے کے اندر کسی کی وضاحت کی گئی ہے ضرب کیا گیا اس کی ترتیب کی گئی ہے فرمایا گیا ومن تعلق شیئا کی گئی ہے جو آدمی کوئی بھی چیز لگتا ہے چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے آخری ٹکڑے نے بتا دیا کہ تاویز نہ تو قرآن کی جائز ہے اور نہ تو غیر قرآن کی جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرا کیا ہے شیطان کو نکیرا نہ کر کے ومن تعلق شیئا کی گئی ہے اس کا مطلب ڈنڈا بنانا جائز نہیں کوئی چیز لٹکانا جائز نہیں چاہے وہ قرآن سے لگے قرآن سے
कमाल का है कुछ लड़का नहीं बतौर खास एक 43 का तस्कर आया तभी मैं आपको हदीस भी ले लेते हैं हदीस हदीस की बात वहां को पकड़ में आकर जोहरी की रजी अल्लाह तआला अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्बर इले रहतु फबाया तिसात माम सक अरवाह फकम या रसूलुल्लाह बाया तिसात माम वदा कहा قال ان عليه كلمه فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق كلمه فقد شرك وهو في مسلم حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث کا کوئی سر دماغ کر رہا ہے حضرت عقبہ بن جعفر جوہری فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تمام سے بیعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیے ایک آدمی نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے ہاتھ کھینچ لیا اس سے بیعت نہیں کی لوگوں نے کہا کہ رسول پایا تھا کہ سب کا مان سکا ہوا ہے وہ تھا کہا اللہ کے رسول نو سے آپ نے بیعت کی ایک آدمی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بیعت نہیں کی ہاتھ کھینچ لیا اس کی کیا ارے آپ ایک مہینے میں تعویذ پہنے ہوئے ان نارے تمیمت اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تمیمت کی وجہ سے تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اس سے بیعت نہیں لی بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا فوراً بات کھڑے لو پکڑا اس نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا اور اسے کاٹ ڈالا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی تعویذ کاٹ دی فبایا ہوا تو اسے بیعت کری پھر اس نے اصول بتایا من علق کلمۃ فقد اشرک آدمی نے تعویذ لٹکائی حقیقت میں شرک کیا اب آپ دیکھیں کہ کوئی کچھ لٹکائے ہوئے کوئی گنڈا لٹکائے ہوئے کوئی تعویذ لٹکائے ہوئے کوئی قرآن کی تعویذ لٹکائے ہوئے کوئی غیر قرآن کی تعویذ لٹکائے ہوئے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک بات بتاؤں حضرت علی بن حاتم عیسائی تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں دیکھو قول سے میں اس حدیث سے ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں بڑا عجیب غریب نقطہ ہے پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں حدیث کا حصہ وہاں کا جو کہ ہاتھ نہیں قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب يرتاح فقال يا علي يرتاحك هذا مثل وسمعته يقرا في سوره بقره اتخذوا احبارا من الله ورباب من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا اعطوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا رواه الترمذي في كتاب التفصيل حضرت امام الترمذي حديث پاک ویسے کتاب التفصیل کے اندر لائے راوی حضرت علی بن حاتم ہیں یہ عیسائی ہیں اور یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو خود بتاتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کا کراس لٹک رہا تھا سونے کا کراس تھا وہ لٹک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا اے ابھی اس بت کو نکال دے مجھے کہتا ہوں کہ سونے کے اس کراس کے اندر اصل بات کوئی سنی کیا بتا سونے کا کراس تھا وہ پہلے ہوئے تو معاملہ سونے کے کراس کا نہیں بلکہ اس سونے کے کراس سے جو عقیدہ جڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کو بت کہا کہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ کراس لٹکا لے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت سے آ گیا اس عقیدے کی وجہ سے یہ بت ہے میں کہتا ہوں کہ تعویذ پہننے والے گھنٹا پہننے والے تاکہ کے نیچے سے گزرنے والے ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ ہم امام حسین کے سائے میں آ گئے ہم فلاں پیر کے سائے میں آ گئے یہی تو عقیدہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کیا لٹکائے ہو مسئلہ یہ ہے کہ جو لٹکائے ہوئے ہو وہ کس عقیدے کا پرتیک ہے کس عقیدے کا مظہر ہے کس عقیدے کا مظہر ہے وہ دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بت ہے اتار دے اس بت کو حضرت علی نے ہاتھ میں اٹھایا اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور غور سے سنیے آگے بتا رہے ایک نقطہ بتانے کے بعد کہ معاملہ اس تعویذ کا نہیں ہو رہا قرآن سے لے رہا قرآن سے معاملہ یہ ہے کہ اس گنڈے سے تمہارا جو عقیدہ چھڑا ہوا ہے نا بہت نقصان کا جیسے اس وجہ سے ان کو بت کہا گیا کہ حقیقت جو بت کی بت ہے اس لیے تم پوجا کرو لٹکانا اور میں نے سنا آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے علماء نے نصارا کے پیروں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے کہا کہ اللہ رسول کیا کرے گا ہم تو اپنے علماء کو پیروں کو سجدہ نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے یا کیا کہہ رہے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے پیر کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے اگر تحقیق مان لے تو نہ حلال ہے ہی تو ہے تمہارے پیر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے بنا تحقیق مان لے تو نہ حرام ہے ہی تو کہا یہی تو عبادت کرنا ہے اور یہاں پیروں کا حوالہ کیوں دیا گیا سونے کے صلیب کے ساتھ یہی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل یہ نصارا کے علماء
ये पीर ये मशायर दर हकीकत कुछ पैसे दे करके ये सब तावीजों के नाम पर और इसी तरीके से कॉस के नाम पर तरह तरह के खुराफात के नाम पर ये पैसे वसूल करते हैं। तो जिस तरीके से ये कॉस दर हकीकत के ये ईसाई मौलवियों ईसाई राहिबों का एक पैसे दे करके एक विदा पीटा करना था। ऐसे ही मुसलमानों के अंदर ये गंडे बनाने वाले ये ताबीजे बनाने वाले ये तरह तरह की खुराफात निकलने वाले दर हकीकत ये लोग नसारा और यहूदियों के नक्श कदम के ऊपर चल रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद यहूदियों नसारा के करीब पर चलना ये कौन से बड़ी बात। जिस तरह वो शरीर फरमा करके कि शरीर की हिफाजत में रहोगे उन्होंने क्रॉस की जात किया, ऐसे ही मौलवियों ने जेल भरूंगी औरतें भरू मौलवियों ने तावीजों के नाम पर गंडों के नाम पर शरीरों के नाम पर तरह तरह की बिदातें मुसलमानों ने उठा करके रख दी और उसे दीन का नाम ले लिया और इस तरीके से मुसलमानों का ताल्लुक अल्लाह से कमजोर होता गया और गैरुल्लाह से वो ताल्लुक मजबूत होता गया। आप देखिए मस्जिद खाली है उसकी गली है और और इसी तरीके से खैरुल्लाह के मकाम को मुतबर्रक करार दे दिया गया मजनबी का और सारा काम या तकदीरों से करा दिया इमामों से करा। तो ये मामला था तावीज का गंडों का। कुछ लोग तो बोतलों के अंदर जिम बंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मोकिल है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को अता फरमाई थी कि जिन्नों की तस्खीर उनके लिए कर दी, जिन्नों से जो चार के काम लेते तो कुरान है कि नहीं। बैतुल मुकद्दस बन रहा, बैतुल मुकद्दस बन रहा था, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अपने आसा पर टेक लगाए हुए हैं और मौका है। लेकिन अभी तो बैतुल मक़दिस का काम मुकम्मल नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको आसा के ऊपर रोका था और जिन ये देखते रहे कि भाई हजरत मौजूद है, काम नहीं रुकना चाहिए। काम जब मुकम्मल हुआ उधर एक कीड़े ने खाना शुरू कर दिया लाठी को, काम मुकम्मल हुआ और इधर कीड़े का भी काम मुकम्मल हो गया और वो धाम से गिर पड़े। Thank you.
सारी चीजें किताब सुन्नत से हटने की वजह से और बिदात से जुड़ने के नतीजे में जुड़ रही है। आपको एक अजीब बात बताऊं, इस्लाम में तवहमात की कोई गुंजाइश नहीं है। कई चैनल टीवी के ऊपर ऐसे हैं जो बराबर ये बताते हैं कि भाई ये वहम, ये चीज क्या है, आत्मा क्या होती है, भूत क्या होता है, सब बताते हैं। लेकिन वही एक चैनल चलता है जो बताता है कि तमाम चीजों पर अकीदा रखने से माल बढ़ जाता है, पैसे मिलते हैं, पैसों की बारिश होती है वगैरह। एक तरफ तो तवहमात की तरकीब की जा रही है और दूसरी तरफ तवहमात को फैलने के रास्ते हमारे किए जा रहे हैं। आइए देखिए तवहमात की क्या हदीस है। दलील दलील यह हदीस वाली उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا قيرة والشوم في المرأة والدائمة تمام البخاري كتاب الدين حضرت امام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى بس كتاب الدين كتاب الراجع حضرت عبد الله عمر حضرت عبد الله عمر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک فرمایا اسلام میں چھوٹ چھان نہیں ہے اسلام میں چھوٹ نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس دیواری اس کے پاس بیٹھ گئے تو تمہیں بھی وہ بیماری ہو جائے یہاں خیر کر ایک شبہ کو دور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چھوٹ چھان نہیں ہے لیکن ایک حدیث کا خود فرماتے پولیس ایسے بھاگو جیسے لوگ شیر سے بھاگتے تو دو باتیں ہو گئی نا چھوٹ چھان نہیں ہے اسلام لا دو لیکن نبی نے کہا کہ پولیس سے بھاگو در حقیقت یہاں عقیدے کی حفاظت کی گئی ہے कि होता अल्लाह के हुक्म से कहीं इत्तेफाक से कोढ़ी के पास बैठने की वजह से उसे कोढ़ हो गया तो कहेगा कि ये छू छात की वजह से हुआ है। इस वजह से अकीदे की हिफाजत के लिए मना किया है कि कोढ़ी के पास मत बैठो। ऐसा नहीं होता कि कोढ़ी के पास बैठेगा तो कोढ़ी हो जाएगा। हकीकत यहाँ अकीदे की हिफाजत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोढ़ी के पास जाने से मना किया, ना ये कि कोढ़ी के पास बैठेगा तो कोढ़ हो जाएगा। वला तियारा का तियारा भी नहीं, तियारा का मतलब होता है कभी जब कोई मुशरिक कोई काफिर कोई काम करने के लिए निकलता तो कोई जानवर बैठा होता है या परिंदा तो उसको उड़ाता, जानवर अगर दाहिने से निकल जाता परिंदा अगर दाहिने से उड़ जाता तो काम करने के लिए जाता नेक पाल लेता, और अगर वो जानवर और वो परिंदा बाएं तरफ उड़ जाता तो बुरा शगुन लेता बदशगुन लेता और वो काम नहीं करता। आज देखें कार से हम लोग जा रहे हैं, एक बिल्ली इस तरफ से उस तरफ आ गई, सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ आ गई, कहते बिल्ली रास्ता काट गई, काम नहीं होगा आपको कोई हादसा हो जाएगा। अब आप सवाल करेंगे कभी भी ऐसा होता कि बिल्ली रास्ता काट जाती है हादसा होता है, इसका क्या जवाब है? देखो कि जब आदमी का अकीदा बन गया कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से हादसा होता है तो अब बिल्ली रास्ता काट गई, अब वो चलाते जा रहा है उसके दिमाग में घूम रहा है बिल्ली रास्ता काट गई बिल्ली रास्ता काट गई, और इत्तेफाक से ये डाइवर्शन ऑफ माइंड उसके दिमाग में जो चीज घूम रही है गाड़ी इधर उधर गई हादसा हो गया। हकीकत दिल्ली के रास्ता काटने की वजह से हादसा नहीं हुआ बल्कि दिल्ली के रास्ता काट जाने पर बुरा होना इसका जो अकीदा था दिमाग में घूम रहा था ये डायवर्शन एंड डायवर्शन ऑफ माइंड का सबब बना जिस वजह से हादसा हुआ, इसको डायवर्शन ऑफ माइंड कहते हैं ना कि दिल्ली। अब आए दिल्ली को उस तरह से इस तरफ आना ये हवा से हवा में उड़ते थोड़ी है सर जाने चाहिए कुछ नहीं तो उधर उधर से उधर जाएगी। अब तुम्हारी कार आ रही हो तुम्हारी बाइक आ रही हो तुम्हारी सवारी आ रही है उससे उस बेचारी को क्या लेना देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवलाद किया परिंदो को उड़ा करके जानवर को खड़ा करके दाएं बाएं तारे से कोई शक्ल नहीं आ जा सकता अवलाद किया और सुन नहुसत की नहीं आदमी के दायरे तू जब से आई है इस घर के अंदर अरे ये बहू नहीं डायन है जब से इसके कदम घर में पड़े हैं घर मनहूस हो गया है बरकत अरे बरकत तो तुम्हारे करतूतों की वजह से हुई है किताब और सुन्नत से दूर रहने की वजह से तुम्हारे घरों में कुरान नहीं तुम्हारे घरों में अहादीस की तलाश नहीं होती कुरान हकीम की तलाश नहीं होगी शैतान ने बसेरा कर रखा तुम्हारे घर में वहां से ये बहु क्या की वजह से हो गया। आप जब घर में बेबरकती हो जाती है गुनाहों की वजह से बदअकीदगी की वजह से बाबा पर बाबा क्या है बेबरकती बाबा जो काम करता हूं काम बिगड़ जाता है ले अरे भूनी से क्या होने वाला है सबब तो कुछ दूसरा है यहां मामला यह है कि दुख रहा है सर और सुई लगा रहा है पेट के अंदर। लेकिन सलाह सुनने में समय पर शुभ और फिर मत और फिर उसे नहीं होगा वह दाए घर में भी नहीं उसे नहीं वह दाए बजाने में भी नहीं उसे
तो हमने इस्तदलाल किया कि ये तमाम चीजें तो हमास से मुताल्लिक है और इस्लाम में तो हमास की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बाब के अंदर ही रहनुमाई फरमाई है और पूरा गाइडेंस हमें दिया। एक बिदअत ये भी है कि कुरान को एक ही रात में खत्म कर दिया जाए और कैसा गड़बड़ दुनिया में क्या पढ़ते हैं पता नहीं चलता। नबी करीम अभी एक मौलवी फलाही वो कह रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मकाम यह है कि वो 24 घंटे के अंदर 10,000 बार कुरान पढ़ते। अब 10,000 बार अगर 24 घंटे के अंदर हजरत अली कुरान पढ़ते थे तो 9 सेकंड के अंदर एक कुरान पढ़ना क्या अकल में आती है ये बात। लेकिन बैर कैसे लोग जिन्हें इल्म से और अकल से कोई दूर का वास्ता भी नहीं है बैर की तरह भी ना देते मौलवी जो कह रहा सही मौलवी की बात तुम परखो कि वो अपनी बात पर दलील पेश कर रहा है कि नहीं और वो दलील इस लायक है कि तस्लीम की जाए या नहीं। 10,000 बार कुरान पढ़े 24 घंटे यानी एक कुरान तो कुरान से मजाक हुआ। अब चूंकि हदीस के खिलाफ है 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा दुरुस्त नहीं है गरीब ये हदीस। वान अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाह तआला अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لم يبق من قرأ القرآن في أقل من ثلاث رواه الترمذي في كتاب عن القراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب القراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الترمذي رحمه الله इस किताब القراءة के अंदर लाए रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर के पास है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस आदमी ने कुरान को 3 दिन से कम में पढ़ा तो कुरान को समझाएंगे। पता ही चला कुरान को 3 दिन से खत्म करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। अब कोई कहे कि मेरे इमाम ने एक पैर के ऊपर खड़े होकर के 15 बार पढ़े फिर एक पैर रख लिया दूसरा पैर उठा करके 15 बार पढ़े तो दर हकीकत ये इस्लाम की निगाह में योगा है सुन्नत नहीं है और ये कोई बुजुर्गी की बात नहीं है। बुजुर्गी वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कितना ही बड़ा क्यों ना हो अमल कितना ही बड़ा क्यों ना हो सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो अमल अमल नहीं। दलील दलील यह से बात वहां का रसूल वाली के रसूल अल्लाह तआला को यकूल जा अतलाक कुरान की इला बुयूत इला अजवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलू मा रबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम मौजूद अन तकालु फकालु व अयन महरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफूज रहु मा तकदम मिन दल उमर अखर قال احد من معنا فاين يصلي الليل ابدا فقال الاخر انا اصوم ولا افطر وقال ولكني اصوم وافطر واصلي بعض ما نزل من النساء فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتابه ديكا ایک صفحے کے اوپر پوری روایت پر پڑ گیا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس 3 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے کون سی عبادت ہے کی عبادت باہر کی عبادت آپ کے ساتھ ہی کرتے تھے تو دیکھتے ہیں گھر میں آتے ہیں ازواج کو کھانا جب خبر دی बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये अल्लाह के रसूल ने कहा देखो मैं तुम सब में सबसे
लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, और तुम्हारे लिए चार की जरूरत नहीं तो 11 बीबियां हैं। तो पता ही चला कि इबादत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो सुन्नत के रसूल के मुताबिक नहीं हो इबादत, चाहे रात भर इबादत करे, एक काम पे खड़ा होकर कैसे सर मुंडी ऊंचे कर ले, पैर ऊपर कर ले, हदीस सुन। सुबह सुबह ये नमाज काम में आता है। नहनो इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोहम्मद के बंदे हैं। हदीस में हरज क्या है? अगर कह दिया जाए मोहम्मद के बंदे, बिल्कुल हरज है, इसलिए हदीस के खिलाफ है। हदीस के खिलाफ तो बिदअत है, दलील यह हदीस। वारा भी हुए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकुलन अहदुकुम अब्दी फकुलहु अब्दुल्लाह वला कि यकुल फताय वला यकुल रब्बी फइन रब्बकुमुल्लाह वलकिन लियकुल सैयदी रवाह है मतलब दूसरा दी हजरत इमाम अहमद बिन बरक अल्लाह सभी से पाक वैसे दूसरा रहम का कला है हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से कोई ना कहे मेरा बंदा, और कुरान में भी है, जितने भी नबी आए तमाम ने कहा, किसी ने नहीं कहा कुनु इबादत ली मेरे बंदे करो, वलकिन कुनु रब्बानी ली रब्बानी करो मेरे बंदे नहीं। अब कुरान में कह दिया गया कि हर नबी ने आकर के कहा कि मेरे बंदे बन बोलो अल्लाह के बंदे बोलो, तो तुम क्यों कह रहे हो? कुरान के खिलाफ हुआ नहनु इबादु मुहम्मदी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकुलन्ना अहदुकुम अब्दी तुम में से कोई ये ना कहे मेरा बंदा, क्या कहे? इसलिए तुम सब के बंदे हो, नबी के बंदे हो, तो लोगों आप तो तुम सब के हो, तो क्या बोले? बोला कि ये कुछ पता है मेरा नहीं पता है, सब तुम में से कोई ये ना बोले, तुम में से कोई ये ना बोले मेरा रब सही ना रब उसको मैं इसलिए तुम्हारा बंदा है, क्या बोले? बोला कि ये कुछ सईद मेरे सईद, लेकिन जहां सईद कहने के लिए वहां सईद बोल रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जितना बता दिया, अगर कहा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कम सल्लैता तो सय्यदना का बनाना जायज नहीं है, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना बोलना बनाना जायज नहीं है। दलील दलील यह हदीस पाक व नाफई अन्न رجلا اتى سائلا جبل بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر انا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله فاذا حدث الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما تقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي في كتاب الادب حضرت امام الترمذي في حديث ابو سعيد ابو الله قال الله حديث ناس حضرت ناس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبد الله بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو چھو گئے بہت اچھی اچھی کہنے کے بعد کیا بولا الحمد لله والسلام على رسول الله فرمایا کہ کیا بھائی السلام على رسول الله حضرت عبداللہ نے فرمایا تو کیا قال ما انا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله میں بھی بولتا ہوں والسلام على رسول الله چھینک موقع پر علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک موقع پر نبی کے اس کا الحمد للہ کا لفظ اتنا ہی بول رہا ہوں اس طرح کا جو ہوا کہ نبی نے جتنا بتا دیا ہے جہاں پہ وہاں پر بتانا جائز نہیں ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی ہیں کہ میں نے بتایا اس لیے کہ ہمارے باپ کی طرح وقد
सही के साथ अब्दुल मुत्तलिब ने हमको कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया सब बता दिया मैंने तुमको और नहीं छोड़ा मैंने कि अल्लाह ताला ने किसी चीज से मना किया हो मैंने तुम्हें बात बता दी अब बताइए अल्लाह ने कितनी चीजों का हुक्म दिया नबी ने उन तक पहुंचा दिया ना अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों से मना किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को बताया कि मैंने तुम्हें बता दिया अल्लाह ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया नबी ने उन तक पहुंचा दिया ना अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों से मना किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को उन तमाम चीजों के बारे में बता दिया कि नबी ने हमें नहीं बताया और इसमें फायदे की चीज थी तो नबी ने हमें क्यों नहीं बताया इसका मतलब नबी ने जो बता दिया वो अल्लाह का बताया हुआ था नबी ने नहीं बताया तो अल्लाह का बताया हुआ नहीं था यार उसी का इंतकाल किया गया बाद लोग कहते हैं ट्रेन है कार है मोटरसाइकिल है तो नबी के जमाने में नहीं थी यार ये सब क्या है आज एक हदीस देखते हैं और ये हदीस आप लेकर बहुत जाए जरूरी पड़ो हदीस वहां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاه فقال ما هذه الصلاه فقالوا قال انه يوتره يا رسول الله فقال لو لم يفعل الصلاه فلم يوتر عليه فقال الشيخ فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان الشيخ من امر الدنيا जितनी है, तो जिन चीजों
अल्लाह अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से बातें ये बड़ा इतने बहुत पकड़ा इसमें अब इस उसूल के आईने में तमाम बिदात का चाहत का लेते हुए चले जाइए। पहले तमाम बुनियादी चीजों पर बहस कर ली है। अगर आपको जुजिया चाहिए तो इन कुलियातों पर प्रयास करते हुए तमाम बिदात के बारे में आप ये हासिल कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको सुन्नतों का मुत्तबे बनाए, अल्लाह से महफूज रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम इस मौके पर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मुहतरम के इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। शेख हालात में कई प्रोग्राम शेख के चल रहे हैं, उसके दरमियान शेख यहाँ पर वक्त देकर आए, सफर करके आए, सफर की सहूलतों को बर्दाश्त किया। आप तमाम इस चीज़ के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इन तमाम चीज़ों को मिजान इस्तेमाल कैसे बना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर आने में कबूल फरमा दे। और साथ ही साथ हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी कीमती बातें हदीस के हवाले से, कुरान की आयतों के हवाले से जो हमने यहाँ पर सुनी है, ए इलाही ए मौला, तो खुद सबसे पहले हमें उस पर अमल करने वाला बना दे और हमें समझने के बाद इन बातों को आम करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेहतर जानता है कि हमारी दावत सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दावत को खूब आम करने की तौफीक अता फरमा दे। तो यहाँ पर एक गुजारिश है भी कि आपने इस पूरी तकरीर को सुना, जुमा के खुतबे को सुना। हरगिज हमारा मकसद कभी भी जमात अहले हदीस या जमात अहले हदीस के किसी फर्द का कभी भी मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी की हंसी उड़ाना मकसद नहीं होता है। लेकिन जब हम दीन को हासिल करते हैं, हम उलमा हैं और दीन को जानते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे सामने कोई बुराई होती है, हदीस और कुरान के मुकाबले में किसी चीज़ को पेश किया जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके सामने किसी बिदात को पेश किया जाए तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उस बिदात का हद करे, उस बिदात से लोगों को आगाह करे। क्योंकि शैतान शिर्क से ज्यादा मेहनत बिदात के अंदर करता है, क्योंकि बिदात पर जो आदमी अमल करता है अच्छा समझता है, उसे बुरा नहीं समझता है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, इस जमात की ये जिम्मेदारी है जो जमात कुरान और सुन्नत पर अमल करने का दावा करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश भी करती है। तो आज इस मौके पर, आशूरा के इस प्रोग्राम के मौके पर यही हमारी आपसे भी इल्तिजा है कि जो बातें आपने यहाँ पर सुनी, इसके मुकाबले में जब मस्जिद से आप बाहर निकलेंगे, लोग न जाने कितनी गलत फहमियाँ इस जमात के ताल्लुक से आपके सामने पेश करते हैं। फला चीज नहीं मानते, ये रसूल को नहीं मानते, ये हदीस को नहीं मानते। आपने इस तकरीर के दरमियान सुना शेख ने कितनी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और कितनी मरतबा लोग कहते हैं कि ये लोग दुरूद नहीं पढ़ते। आपने देखा इस एक डेढ़ घंटे की तकरीर के दरमियान कितनी मरतबा दुरूद पढ़ा गया। तो हमसे ज्यादा सही तरीके से दुरूद पढ़ने वाला कोई नहीं। हाँ ये कि हम दुरूद वो पढ़ते हैं जिसके पढ़ने का हुक्म है, हम वो दुरूद नहीं पढ़ते जिसके पढ़ने का हुक्म नहीं है। हम बिदअतों के शहनाई नहीं, बिदअतों पर अमल नहीं करते। हमारी दावत किताब और सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दावत को खूब आम करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमें सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर शोबे दावत तबलीग के जिम्मेदारान का, जमात के जिम्मेदारान का, आप लोगों का, तमाम मेहमानों का कि आपने कीमती वक्त दिया यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के यहाँ पर आने को कबूल फरमाए, यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए, इस महफिल को अपने